हाय, मैं हूँ रीना कुवैक फ्रॉम मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉर्पोरेशन। आई एम एंड्रयू। लगे रहो, सुनते रहो, तड़का लगा के आरजे मनीष के साथ रेडियो मनपसंद। दोस्तों, आप सुन रहे हैं जी हाँ, रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के और आज मना रहे हैं रेडियो मनपसंद पे। तड़का तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मना रहे हैं रेडियो मनपसंद पे मदर्स डे, मातृ दिवस मना रहे हैं। और आप सभी माओं को हमारी तरफ से, रेडियो मनपसंद की तरफ से और मेरी तरफ से स्पेशली, सभी माओं को, सब जितनी भी दुनिया भर में माँ हैं, और सबको वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। सभी माओं को हम याद कर रहे हैं, माओं के मनपसंद गीत सुन रहे हैं। चलिए माओं की बात करेंगे तो मेरे साथ एक माँ स्टूडियो में है एंड शी इज अ वेरी पॉपुलर माँ जी, और इनकी बेटी ने भी इनका नाम रोशन किया है, तो इनसे बात करेंगे। मैं मिलवाता हूँ, ये मेरे साथ हैं जी हाँ, मेरे साथ हैं रीना कोएक जी। रीना जी इज अ वेरी फैमिलियर फेस इन कैनबरा, सिडनी, सब लोग जानते हैं, और ये एक सेलिब्रिटी समझने का कैनबरा टाइम्स के फ्रंट पेज पे जब आई थी तो सब उनको पहचानने लगे थे। रीना जी, वेलकम टू रेडियो मनपसंद, और कैसी हैं आप? हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच मनीष जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इतना के दिल खुश हो गया है जस्ट टू बी इन द स्टूडियो। और हैप्पी मदर्स डे सब श्रोताओं को, सब मनपसंद लिसनर्स को, वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। क्या बात है, आज आज आपने जो ओम व्यास जी की कविता पढ़ी, दिल बाग बाग हो गया, मतलब इतना खुश हो गया, दैट वाज अमेजिंग, सो नाइस, बहुत इम्प्रेसिव। हाँ, मैंने जब पढ़ी तो मुझे लगा कि ये रेडियो पे पढ़ना चाहिए और बाकी लोगों को भी सुनना चाहिए, बिकॉज आजकल जो कविताओं का जो क्या कहते हैं दौर है, खत्म होता जा रहा है। लोग इंटरनेट पे व्हाट्सएप मैसेजेस और ये इतने इंस्टेंट मैसेजेस इतने पढ़ने लग गए हैं कि कविता लिखने वाले कितनी मेहनत करते हैं, एक एक शब्द को पिरोते हैं। और आपने जिस भावना के साथ पढ़ी, जिस भावना के साथ आपने उसको फिरोया और उसको प्रस्तुत किया, दैट वाज सो अमेजिंग। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये माँ के लिए, मेरे लिए इतना प्यार उमड़ रहा है, मुझे खुद इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ की याद आ रही है। मैं भी कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ, त्याग और प्रेम उस माँ का भला मैं कैसे बयां करूँ। क्या बात है, हैप्पी मदर्स डे टू सब श्रोताओं को, सब मनपसंद लिस्नर्स को। क्या बात है। रीना जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है रेडियो मनपसंद में, आप पहली बार आ रही हैं, और आज आप शायद अपनी माओ को लेके आने वाली थी, मदर इन लॉज एंड आपकी ग्रैंड मदर। या सो मेरी ग्रैंड मदर इन लॉ हैं जो कि 92 इयर्स की हैं, मैं चाहती थी कि वो आज आए मेरे साथ, और मेरी मदर इन लॉ हैं, बहुत ही प्यारी मदर इन लॉ हैं, बट वो थोड़ा सा नर्वस हो गई कि वो एक हिंदी रेडियो स्टेशन पे जा रही हैं और वो दोनों ऑजी हैं, इंग्लिश बोलती हैं, तो उनको थोड़ा सा नर्वसनेस हो गई कि मैं कैसे प्रेजेंट करूंगी, कैसे बोलूंगी, मेरी भाषा भी सबको नहीं समझ आएगी, पर मैंने उनको काफी कन्विंस किया कि सब लिसनर्स इंग्लिश समझते हैं तो आ सकते हैं, पर they are valuable, right. They are valuable asset है वो हमारी फैमिली में, right. बहुत ही नमन उनको प्रणाम है। क्या बात कि इतना प्यारा, जिस तरह से वो फैमिली चलाते हैं, सब सबको बांध के रखते हैं। माँ का तो काम ही वही होता है ना, सबको एक धागे में पिरो के सबके साथ चलते हैं, सो इट्स अमेजिंग। अनकंडीशनल लव होता है, विदाउट एनी, इट्स सेल्फलेस लव, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन होता है। और मेरी जो अपनी जननी माँ है, लाइक जिसने मुझे जन्म दिया है, वो मेरी माँ इंडिया में है, सो मैं उनको भी बहुत बहुत मैसेज भेजना चाहती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ जन्म देने के लिए। क्या बात है, सभी माओ को और आपकी माओ को और आपके जो सुन रही है, ग्रैंड मदर है और मदर इन लॉ है, उनका नाम बता दीजिए प्लीज। उनका नाम, जो मेरी ग्रैंड मदर है उनका नाम है एवलिन ज़ार्ब, जो मेरी मदर इन लॉ है उनका नाम है अमेंडा ज़ार्ब, और जो मेरी मदर है उनका नाम है ब्रह्मवती कोक। सो तीनों माओ को बहुत बहुत क्या बात है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। वो शायद सुन भी रही होंगी, और नहीं तो नहीं सुन रही है तो आपका ये इंटरव्यू, आई थिंक हम जल्दी ही इसको रिकॉर्डिंग डेफिनेटली सुन रही है, मैं सबको चैनल और सबको वेबसाइट देख रही हूँ, वो सब सुन रहे हैं। चलिए आपके बारे में बात करते हैं, रीना जी आप कब ऑस्ट्रेलिया आना हुआ और कैनबरा कैसे आना हुआ और कब से हैं आप यहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया आए हुए तो मुझे करीबन 20 साल हो गए हैं, मैं सिडनी में बेस थी इतने सालों से, और कैनबरा तो मैं अभी 2 साल पहले ही आई हूँ। कैनबरा तो आना मेरा एक बहुत ही प्यारा मकसद था, जिसके लिए मैं कुछ बोलना भी चाहूँगी,
कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए बनाया गया है और कभी ना कभी उससे मैं जरूर मिलूंगी। तो जब मैं सिडनी में रह रही थी, मैं ये, और ये माधुरी दीक्षित की मूवी दिल तो पागल है का डायलॉग है, तो कोई ना कोई मेरे लिए बनाया गया था और वो जो बनाया गया है वो कैनबरा में बेस्ड। क्या बात है। तो यू नो, प्यार के लिए तो आप 7 समुंदर पार करते हैं, तो मैं 3 घंटे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप करके मैं 3 घंटे सिडनी से कैनबरा मूव हो गई। अच्छा। अपने प्यारे से हस्बैंड के लिए। अच्छा, वेरी नाइस। तो इस बारे में बात करेंगे, बिकॉज योर मैरिज हैज बीन, क्या कहते हैं कि वो, इट्स अ वेरी ग्रैंड सेलिब्रेशन था इन द पार्लियामेंट हाउस इन कैनबरा, which was like it took the limelight last year की बात है, I think ये March 2022 की बात है, एक साल हो गया इस बात को, लेकिन ऐसी ग्रैंड सेलिब्रेशन शायद मैंने अपनी, मैं, मुझे भी 29-30 साल हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, लेकिन ऐसे कभी नहीं सुना कि किसी इंडियन वेडिंग और बॉलीवुड वेडिंग टाइप की कुछ हुई हो। तो इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आपके फैमिली के बारे में बात करेंगे, आप इंडिया से कहाँ से हैं और यहाँ जॉब करती हैं या? इंडिया में मैं गुड़गांव, जो कि कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, उसके बहुत ही करीब है गुड़गांव, जस्ट 15 मिनट्स। गुरुग्राम हो गया है अब, और उसको तो मिनी सिंगापुर भी कहते हैं। सो अच्छा। मैं वहां से हूँ, पर हियर यू नो, मैं इधर, मेरा एक अपना बिजनेस है जिसको कहते हैं मिस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। तो मैं काफी सारे बॉलीवुड सितारे होते हैं, सोहाली खान, करिश्मा कपूर, दिया मिर्जा, इन सबको मैं इन्वाइट करते हैं, मुंबई से आते हैं ये सारे सितारे, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यू नो, इधर एज अ परफॉर्मर आते हैं, एज अ चीफ जज आते हैं, एज अ गेस्ट आते हैं, मीट एंड ग्रीट करते हैं। सो वो मेरा एक पर्सनल पैशन बिजनेस है। पर फुल टाइम मैं फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम भी करती हूँ अभी कैनबरा में। तो अभी जस्ट बिकॉज मेरी अभी शादी हुई थी, तो जस्ट टेकन अ ब्रेक, बट वेरी सून आई विल गेट बैक इनटू दिस। जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं वैसे ही वापस चली जाऊंगी और इन सब यू नो अपना बिजनेस रिज्यूम करूंगी। क्या बात है, आप तो सेलिब्रिटीज को बॉलीवुड से उठा के यहाँ लेकर आती ऑस्ट्रेलिया में, और मेरे ख्याल से जो देख रहे हैं सुन रहे हैं वो कहेंगे रीना जी को पीछे लग जाएंगे, बोले हमको भी टिकट चाहिए, हमको भी मिलना है, आपने जिन जिन सेलिब्रिटीज का नाम लिया। तो मतलब मिस इंडिया रह चुके हैं, दिया मिर्जा मिस एशिया पैसिफिक रह चुकी है, करिश्मा कपूर को तो कौन नहीं जानता, मतलब हार्ट रूल करती हैं हार्ट रूल कपूर सिस्टर्स। तो और आपने दिल तो पागल है की बात की, तो उसमें माधुरी भी थी और करिश्मा कपूर भी थी। हाँ, दिल तो पागल है मैं तो exactly। चलिए बहुत बातें करेंगे, और आपकी बेटी ने भी एक क्राउन जीता, शी इज ऑल्सो ए मिस साउथ एशिया ऑस्ट्रेलिया, जो कि हाल ही में उन्होंने जीता है। जी हाँ, उस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन लेते हैं छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक। जैसे आपने सेलिब्रिटीज की बात की, माधुरी दीक्षित का जन्मदिन है, माधुरी दीक्षित का गाना प्ले, बिल्कुल, और दिल तो पागल ही से, और आपने कहा कि आप और कितने लोगों को जो मिस बनना चाहती हैं, मिस ऑस्ट्रेलिया या मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया बनना चाहती हैं, और कितनी शर्मा के आती हैं, घबरा के आती हैं, आप उनको ग्रूम करती हैं और उनको स्टेज पे लाना, प्लेटफॉर्म देना और उनको क्राउन पहनाना, इट्स नॉट एन इजी जॉब। तो उसी बात को याद करते हुए कि भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए आए। चलिए, लगे रहिए, सुनते रहिए, जी हाँ, रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के हम बात कर रहे हैं रीना कोएक जी से। शीज देखिए कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को यहाँ लाती है, और हम इतने बड़े सेलिब्रिटी को हम अपने स्टूडियो में लेकर आए। लगे रहिए, सुनते रहिए, हैप्पी मदर्स डे। हाय हाय। हाय हाय हाय, क्या बात है, कितना प्यारा गाना है माधुरी दीक्षित का। वो आए भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए आए हाय। नमस्ते, मैं आपका उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, आरजे मनीष जी के साथ तड़का लगा के। हाँ, उदित नारायण जी ने बोला, सॉरी, ये गम है चाहे बस एक जरा साथ हो तेरा।
जी हाँ, अकेले हैं तो क्या गम है। अब आप सोच रहे होंगे ये गाना या वैसे तो उदित नारायण जी, द लेजेंड उदित नारायण जी, जी हाँ, हमें जिंगल बना के दिया, बहुत ही प्यारा जिंगल है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कहते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद मनीष जी के साथ। लेकिन ये गाना जो मैंने प्ले किया, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जूही चावला का भी फैन हूँ। माधुरी दीक्षित को याद करो तो जूही चावला का टेक्स्ट मैसेज आया, बोल रहे हैं कि मनीष मेरे से प्यार करता था और आज माधुरी की बात कर रहा है, क्योंकि माधुरी में जी हाँ मधु है, मेरे मम्मी का नाम भी मधु है, तो इसलिए आज मम्मी को याद कर रहा हूँ, मधु को याद कर रहा हूँ। मधु में शहद होता है तो शहद है। जूही मैं आपको भूला नहीं हूँ, आपका शुरू से ही फैन रहा हूँ और आज भी फैन हूँ जी हाँ। तो कयामत से जो उन्होंने जो लाइमलाइट और जो कहते हैं ना कि एक चेहरा नजर आया था, मैं तब से उनका एक जबरदस्त फैन हूँ, आज भी हूँ। और एंड आई वाज सो लकी कि वहाँ इंडिया में नहीं मुलाकात हुई, रेडियो की वजह से मुझे जूही चावला से मुलाकात हुई ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। और आप जैसे लोग जो सेलिब्रिटीज को लेकर आते हैं, इसका ये श्रेय आपको जाता है मे बी, तो उनको भी जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, इट्स नॉट इन ईजी टू ब्रिंग अ सेलिब्रिटी, कितने नखरे होते हैं और पैसे सबसे बड़ा, इट्स वेरी एक्सपेंसिव और उनके टैंट्रम्स, पर एक यू नो हमको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, सब लोग देख सकते हैं, मिल सकते हैं, जो लोग मुंबई नहीं जा सकते वो यहाँ पर आके उनसे मिल सकते हैं, फेस टू फेस उनके साथ फोटो खींच सकते हैं। और कितने सारे जो मीडिया पार्टनर्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं प्रमोट करने में वो प्रोग्राम को, वो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, जैसे आपने एक जिंगल बनाया और ये सब, दैट्स सो अमेजिंग यू नो। ये सब अपॉर्चुनिटी दूर बैठे बैठे हमें नहीं मिल सकता है, तो हम उनको यहाँ पर ले आते हैं सो दैट आप सबको वो अपॉर्चुनिटी मिले। बिल्कुल, और हम शायद लेट हो गए, लेकिन देर आए दुरुस्त है, लेकिन हम लेट इन द सेंस कि आपसे पहले क्यों नहीं जुड़े हम मीडिया पार्टनर्स की आपने बात की, अब आपसे पहले मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अब आप आ गई हैं कैनबरा, आपको जाने नहीं देंगे क्योंकि यहाँ सेलिब्रिटीज नहीं आते, बहुत कम आते हैं, जैसे उदित नारायण आए, सोनू निगम आए, अभी हाल ही में कल जो प्रोग्राम हुआ था पंजाबी से वडाली ब्रदर्स के सिंगर आए थे, बहुत ही लखविंदर वडाली से, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। तो ऐसे ऐसे बहुत कम सिंगर्स आते हैं, और अब बात चल रही है कि मीका सिंह को लाने की बात चल रही है, चलिए वो तो बात करेंगे, लेकिन जैसे मैंने जूही चावला की बात की, शी हैज बीन अ मिस इंडिया, और वो फेयर एंड लवली के एक फेस बन गई थी एड्स में, और उसके बाद कयामत से लक्स का भी था, यस यू आर राइट, लेकिन मेरे खाली वो उनके चेहरे से नजर ही नहीं आती थी तो मैं नजारे क्या देखूं वाला हिसाब था। चलिए, आपकी बेटी ने भी आपका नाम रोशन किया है, एंड शी हैज बीन अ मिस साउथ एशिया ऑस्ट्रेलिया, अभी हाल ही में मार्च इसी साल वो एक बड़ा खिताब जीता और इट केम इन अ बिग न्यूज, तो आपको कैसा लग रहा, बिकॉज यू ब्रिंग सेलिब्रिटी, यू ब्रिंग मिस इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आपकी बेटी और आप खुद इस फील्ड में हैं, एज ए मदर और एज ए कैसे फील हुआ? काफी समय से मैं अपनी ग्रैंड मदर, अपनी मदर इन लॉ और अपनी मदर के बारे में ही बात कर रही थी, पर मैं आप सबको बता दूं कि मेरी बेटी भी है, और मेरी बेटी 18 साल की है, 18 ईयर्स ओल्ड है, और उसका नाम अलीशा है, और उसकी वजह से आई एम अ मदर, सो आई एम वेरी थैंकफुल कि वो प्रिविलेज जो माँ का होता है, जो मदरली इंस्टिंक्ट होता है, वो मेरा फुलफिल है मेरी बेटी की वजह से। और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, बिकॉज हम पैजेंट्स में, ब्यूटी पैजेंट्स में और मॉडलिंग में इतना इन्वॉल्व रहते हैं, सो मेरी बेटी हमेशा न्यूयॉर्क फैशन वीक और मिलान फैशन वीक, सिडनी फैशन वीक, कुछ ना कुछ, और मेलबर्न फैशन फेस्टिवल, कुछ ना कुछ वो करती रहती है, और मैं उसको पूरा बिलीव करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ और इनकरेज करती हूँ कि यस यू शुड गो अहेड एंड एक्सप्लोर योर ड्रीम्स, क्योंकि हर बच्चे का एक सपना होता है टू गेट ऑन दैट प्लेटफॉर्म, गेट ऑन द रैंप एंड जस्ट वॉक as you know as if he ruled the ramp. तो मैं भी उसको बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत सपोर्ट करती हूँ, बहुत ही प्रोत्साहन देती हूँ रेगुलरली, और उसने मुझे कहा कि मुझे मिस साउथ एशिया ऑस्ट्रेलिया में पार्टिसिपेट करना है, तो फिर मैं उसके साथ ट्रैवल करा मेलबर्न, यू नो मेलबर्न में ये बहुत बड़ा ब्यूटी पेजेंट होता है, एंड उसने वो किताब पाया, यू नो आफ्टर डिफरेंट फोर ग्रूलिंग डिफरेंट राउंड्स थे उसमें, ट्रेडिशनल राउंड होता है, कैटवॉक राउंड होता है, और फाइनल जो इवनिंग वेयर राउंड था, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड्स थे, उन सब के बाद आफ्टर ऑल दोस ग्रूलिंग राउंड्स शी फाइनली वन द टाइटल, एंड दैट वाज सो अमेजिंग। एक बहुत ही अच्छी फीलिंग, फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है कि एज अ मदर हम लोग भी यू नो सपोर्ट बिलीव करके अपने बच्चे को कुछ भी अचीव कर सकते हैं, so, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वेरी नाइस, काश सबकी माँ ऐसी होती जो अपने बच्चे को इतना पुश कर, लेकिन कितना डिफिकल्ट हुआ होगा, बिकॉज एक तो शी इज अ गर्ल, बिल्कुल आप जी हाँ दोस्तों, हम वीडियो भी बना रहे हैं तो उसकी फोटो में
आप देख सकेंगे जल्दी YouTube पे कि शी हैज बीन अ न्यू मिस साउथ एशिया ऑस्ट्रेलिया, और ऐसा प्राउड मूवमेंट है जो कि इंडियन डिसेंट वाली, और इंडियन इंडियन वो पैदा शायद इंडिया में हुई थी या यहाँ इंडियन डिसेंट person to win this time. And she was, Alisha was born in? हाँ जी, इंडिया में ही पैदा हुई थी. अच्छा, इंडिया में पैदा हुई थी. देखिए, इंडियन बॉर्न कोई यहाँ पे, और मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है कि हम जैसे जो इंडियंस हैं या जो इतने माइग्रेंट्स हैं, तो ऐसा कुछ खिताब लेकर आए. कॉन्ग्रेचुलेशंस अलीशा, आप सुन रही हैं, एंड यू आर सपोज टू कम हियर. आज उनको भी लेकर आना था, लेकिन किसी कारणवश शी इज बीन सो बिजी विद हर स्टडीज, एंड तो पर वो जरूर आएंगी उनके साथ एक अलग से. हाँ, जरूर आएंगी. बिल्कुल, वो भी एक सेलिब्रिटी है, तो अलीशा के साथ अलग से बात करेंगे. लेकिन हाउ डिफिकल्ट इट वॉज फॉर यू, और या फिर मैं ये पूछूं कि लड़कियों को जनरली हम अभी भी हमारे कल्चर में, जो इंडियन कल्चर है, कि एक स्टेज पे नहीं जाना, डांस नहीं करना, या मिस ऐसे भाग नहीं लेना, उसको बड़ा एक टैबू माना, मतलब एक अच्छा वो नहीं माना जाता है, क्या कहते हैं? ऐसा मैं अग्री नहीं करूंगी मनीष जी कि नहीं माना जाता, क्योंकि अब हम जब माइग्रेंट्स होते हैं, हम इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आते हैं, हमने अपनी लाइफ को खुद यू नो लास्ट 20 इयर्स में इतना स्ट्रगल करके अचीव करा है सब कुछ, सो हम तो अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं. हम तो जो इंडियंस का नाम है वो रोशन करना चाहते हैं इन अ पॉजिटिव वे. तो जब तक हम अपने बच्चों में सपोर्ट नहीं, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके अंदर बिलीव नहीं करेंगे, उनके साथ वो अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो कैसे वो मुकाम हासिल होएगा. तो मैं तो जितने भी श्रोता हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे को यू नो सपोर्ट करना सीखे, उसके अंदर जो उसके ड्रीम्स हैं उसके साथ वो ड्रीम्स जीना सीखे, और वो फिर आप देखेंगे कि तारे भी दूर नहीं है, चांद भी दूर नहीं है, और आपके बच्चे चांद और तारे को छुएंगे, तो आपको भी वो सेटिस्फेक्शन फील होएगा कि हाउ ब्यूटीफुल इज दिस जर्नी. और मैं आपको बताऊं कि मैं 16 साल 16 इयर्स मैं तो सिंगल मदर थी विद माय डॉटर अलीशा, सिंगल मदर. सो मैंने तो वो एक बहुत बॉन्ड है मेरा मेरी बेटी के साथ, लाइक शी इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड शी इज माय बेस्ट बडी, जिसके साथ मैं बहुत इन डेप्थ डिस्कशंस भी कर सकती हूँ. हम रात को 2-2 बजे तक बैठ के वी कैन हैव ऑल नाइट लॉन्ग डिस्कशंस, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपना दिल खोल सकते हैं. सो वो एक मैंने बॉन्ड बनाया अपने बच्चे के साथ, और उसने भी, वो भी मुझे बहुत ट्रस्ट करती है. इट्स वाइस वर्सा, इट्स बोथ वेज की शी ऑल्सो ट्रस्ट मी, आई ऑल्सो ट्रस्ट हर. और हर मदर, हर पेरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूंगी कि बच्चे को, यू नो बच्चे क्यों झूठ बोलते हैं या क्यों डिसऑनेस्ट होते हैं, आप उनके साथ वो बॉन्ड बनाइए, उनके साथ वो फ्रेंडशिप रखिए, उनको बेस्ट फ्रेंड बनाने की कोशिश कीजिए, तो कुछ भी नहीं रोक सकता. और आपके बच्चे इंस्टेड ऑफ मदर डॉटर या पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप की बजाय वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे, और आपके साथ खुलम खुला सारी बातें करेंगे, और आपको इतना अच्छा लगेगा क्योंकि आप एक जिंदगी जिएंगे, उनकी जिंदगी जिएंगे, जो आप एक 35 की होके यू नो एक 16 ईयर ओल्ड के साथ जिंदगी जीते. बहुत ही पते की बात की, बहुत ही अच्छी बात की कि आपने बच्चों को दोस्त बना के चलिए. और आप दोस्त बनाएंगे तो आपके साथ वो सपोर्ट भी करेंगे और आपकी बातें भी मानेंगे. क्योंकि हम, लेकिन हम मैं जिस कल्चर से, मतलब मैं जब उस, जब हम बच्चे थे, हमारे माँ बाप अंधी दौड़ में लगा देते थे कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो. आजकल के बच्चों को हम कुछ नहीं बोल सकते. और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो एक आजादी भी है, इंडिपेंडेंस भी है, बच्चे खुद अपना एक कहते हैं ना एक मुकाम बनाते हैं, दे मेक इट. तो आपने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया हुआ अलीशा को, और मैं तो ये चाहूंगा कि हर माँ बाप अपने बच्चों को एक कहते हैं ट्रीट देम लाइक ए फ्रेंड. और अगर आप बच्चों को डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे या कुछ भी बोलेंगे, वो बच्चे तुरंत हवा में उड़ जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, थ्रेट्स आने लगेंगे आपको. सो उस सब से बचने के लिए कि आप वो बॉन्ड भी मेंटेन रखें, क्योंकि आपने उनको पैदा करा है, आप उनके जननी हैं, आप उनके जन्मदाता हैं, सो क्यों नहीं हम उनके साथ और यू नो खुशियां बांट सके, उनके साथ वो फ्रेंडशिप का बॉन्ड शेयर कर सके, तो क्यों नहीं हम उनके दोस्त बन सकते. हम क्यों बाहर जाते हैं पड़ोसियों को दोस्त बनाने, जबकि हमारे घर में हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं. एब्सोल्युटली. चलिए, मदर्स डे का बहुत बढ़िया मैसेज आपने दिया है, और एज ए माँ होने के नाते, और आपने बताया कि आप 16 साल तक अपनी बेटी के साथ एज ए सिंगल मदर आपने बताया, तो इट मस्ट बी इन अ स्ट्रगल, इट मस्ट बी अ वेरी चैलेंजिंग इमोशंस हैं, तो इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. लेकिन चलिए, इस बारे में अभी बात करेंगे. दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के. मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, और मेरे साथ हैं रीना कोएक जी. शी हैज बीन अ
सेलिब्रिटी हरसेल्फ, अभी छुपी हुई थी छुपी तो नहीं थी इन, ये खुद एक कैनबरा टाइम्स के जब फ्रंट पेज पे आई लास्ट ईयर मार्च 2022 में, एंड इनकी मैरिज वॉज ए द ग्रैंड सेलिब्रेशन, द बिगेस्ट मल्टीकल्चरल वेडिंग ऑफ द ऑस्ट्रेलिया. तो ऐसी ऐसी सेलिब्रेशन कहीं भी नहीं हुआ था. तो चलिए आज भी उनसे और बातें होंगी, उनके मैरिज के बारे में बात करेंगे, ये कैसे इनका कनेक्शन भिड़ा, और इनके जो पति देव हैं जी, उनकी तरफ भी नजर बिठाएं. तो पति देव भी आए हुए हैं, एंड्रू इज हियर जी. हाँ, इट्स अ मल्टीकल्चरल, जैसे हम बात कर रहे हैं वो सब बातें सुन रहे हैं. आई डोंट नो, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, हिंदी समझते हैं वो थोड़ी थोड़ी. चलिए एंड्रू से भी बात करेंगे, हाउ डज ही फील मैरिंग एन इंडियन वुमेन, और क्या क्या चेंजेस उनको अपने घर में और अपने लाइफस्टाइल में, अपनी मदर को समझाने में, क्योंकि आज मदर्स डे, मदर इन लॉ, और कहते हैं ना कि सास एंड बहू का एक अलग ही तड़का लगता है, उस बारे में भी बात करेंगे. तो चलिए आज लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि बाहर मना रहे हैं माधुरी दीक्षित का बर्थडे. वैसे तो कल है, 15 मई को है, लेकिन आज मनाने में कोई हर्ज नहीं है. मैं तो कहूंगा कि बर्थडे हो चाहे मदर्स डे हो, इट शुड बी, और फादर्स डे को भी मत भूलिएगा. जैसे आपने बोला माधुरी में तो माँ आता है और मधु भी आता है, एक शहद है. मधु तो आपकी मम्मी का नाम है. वाह, चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए जी. प्यारा सा गीत ये अलीशा के लिए, आपकी बेटी के लिए, घाघरा फ्रॉम द मूवी ए दिल है मुश्किल, एंड फॉर विनिंग द मिस साउथ एशिया ऑस्ट्रेलिया क्राउन. लगे रहिए, सुनते रहिए. कॉन्ग्रेचुलेशन अलीशा. अदीशा के लिए मम्मी डांस करेंगे. डू यू डांस? या. हाँ, थोड़ा बहुत आपने डांस? मैं बहुत डांस करती हूँ. तो आप करके दिखाइए. ये लड़का तू प्यारा. मोहतरमा तू किस खेत की मूली, ये मैं पूछ रहा हूँ. ब्रेकिंग इन न्यूज. ओए होए, अरे वाह, लेट्स टॉक अबाउट इट. चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद. तड़का लगा के घाघरा घाघरा जिया लेके आगरा. गुड़गांव से लेके दिल्ली से लेके आगरा से लेके सिडनी कैनबरा, आगरा से कैनबरा बोलिए. चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद जी, हाँ पूरा तड़का लगा के. और जी हाँ, मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष, और आप सभी को हैप्पी मदर्स डे. जी हाँ, आज माँ दिवस है, मातृ दिवस है, आप सभी को मदर्स डे. जी हाँ, आप जी जैसे भी मना रहे हैं, खुशियों से मनाइए, माँ को याद कीजिए, माँ को फोन लगाइए, माँ के साथ थोड़ा समय बिताइए, क्योंकि माँ को याद, मतलब क्या कहते हैं, जितने भी याद करें, जितनी भी बातें करें, बहुत कम है. और माँ है तो हम सब हैं, जैसे मैंने कहा वो जननी है, चन्नी है. लेकिन हाँ, फादर को भी मत भूलिएगा, फादर फादर का भी रोल होता है. तो लेकिन और हमें बात बात करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बात हम जल्दी करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस समय रीना जी से. रीना को एक जी हैं, हमें सुन रहे हैं कमल जी. कमल जी कह रहे हैं कि हैप्पी मदर्स डे एंड टू ऑल द मदर्स लिसनिंग टू योर ब्रॉडकास्ट एंड रेडियो मनपसंद. थैंक यू कमल जी, थैंक यू सो मच. और हमें शगुन जी सुन रही हैं मेलबर्न में, थैंक यू शगुन, हैप्पी मदर्स डे. और साथ में सीमा कश्यप जी का भी बर्थडे जी हाँ कल था. तो सीमा जी आपको भी, हमारी मनपसंद लिसनर हैं, फॉलोअर हैं, फैन हैं रेडियो मनपसंद की, सीमा जी आपको भी जन्मदिन की शुभकामनाएं. और कल मेरी बेटी का भी जन्मदिन था जी हाँ, निशा जी हाँ, वो भी एक सेलिब्रिटी है, वो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फैन है. कैनबरा स्कूल ऑफ बॉलीवुड डांसिंग करती है, और वो उसका भी बड़ा सपना है कि एक दिन बॉलीवुड में जाके मैं रहूं और सारे सेलिब्रिटी से मिलूं. कोशिश करती रहती है, लेकिन अगर आपसे मिलेगी ना तो आपकी तो फैन हो जाएगी, वो बोलेगी रीना जी मेरे को ले चलिए बॉलीवुड. तो शी लिव्स बॉलीवुड, ड्रिंक्स बॉलीवुड, ब्रीथ्स बॉलीवुड, क्योंकि उसके उसके कार पे भी लिखा हुआ है बॉली प्रिंसेस.
उसने तो हैप्पी बर्थडे और हमारी आरजे भी हैं, आरजे निशा कभी कभी आती हैं एंड शी डज, तो आरजे निशा को भी हैप्पी बर्थडे और हमारी आरजे ईरा को कैसे भूल देंगे, आरजे ईरा भी बड़ी अच्छी डांसर है, माधुरी की बहुत बड़ी फैन है, जबरा फैन है और शी इज अ वेरी गुड कथक डांसर ईरा जी, ईरा को भी, आरजे ईरा को भी जन्मदिन अभी हाल में पिछले हफ्ते निकला, तो ईरा आपको भी जन्मदिन की शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे ईरा, सीमा एंड साथ में निशा, और हाँ बर्थडे का कल एक और था, जी हाँ हमारी एक और मनपसंद लिसनर है रुचि ज्योति, डॉक्टर रुचि ज्योति, उनका भी जन्मदिन, उनको भी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। नीति, जी हाँ नीति सक्सेना, उनका भी जन्मदिन है, क्या सारी लड़कियों का जन्मदिन क्या मई में ही होता है, मैं ये कह रहा हूँ आदमियों का जन्मदिन क्यों नहीं है, सारे मदर्स और ये सबके नाम ले रहा हूँ मैं, लेकिन क्योंकि एक और सेलिब्रिटी हैं जो आजकल बॉलीवुड में छाई, सनी लियोनी का, उनका भी कल जन्मदिन था, वो भी उनका भी जन्मदिन, नीति सक्सेना जो हमने बताया मनपसंद लिसनर है, उनका भी जन्मदिन कल है, जी हाँ 15 को है, माधुरी दीक्षित के साथ शेयर करती हैं, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, तो बहुत सारे हैं, अगर आप माधुरी दीक्षित से या आप मई में आपका जन्मदिन है प्लीज हमसे शेयर कीजिए और बताइए। चलिए और साथ में लक्ष्मण जी सुन रहे हैं, लक्ष्मण जी, जी हाँ लक्ष्मण जी थैंक यू सो मच लक्ष्मण जी सुनने के लिए, वो कह रहे हैं मनीष हियरिंग माधुरी आई रिमेम्बर वन ऑफ माय स्कूल फ्रेंड हर बर्थडे फॉल्स ऑन 15th इज इट पॉसिबल टू विश हर विद अ सॉन्ग आई विल रिकॉर्ड दैट एंड सेंड हर। अरे वाह क्या बात है, इनकी फ्रेंड है, क्या बात है, लग रहा है बचपन की फ्रेंड याद आ गई, गर्लफ्रेंड लग रही है मुझे तो, लग रहा है शी इज इन इंडिया। और प्लीज उनका नाम है, मैं कह रहा हूँ, और नाम है उषा, उषा और उनका सॉन्ग उन्होंने किया है कि ज्योति कलश छलके, कि प्लीज मेंशन योर नेम रेडियो मनपसंद स्टेशन, जी हाँ बिल्कुल, और उषा जी आप सुन रही हैं भारत में, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लक्ष्मण जी के साथ साथ हम भी आपको याद कर रहे हैं रेडियो मनपसंद के द्वारा, और ये सॉन्ग आपके लिए जरूर एक माधुरी का प्ले करेंगे, क्योंकि यू शेयर योर बर्थडे विद माधुरी दीक्षित, वन एंड ओनली माधुरी दीक्षित मेरे दिल के करीब है, तो और लक्ष्मण जी आपके दिल के करीब है, या आप लक्ष्मण जी के दिल के करीब है। चलिए थैंक यू उषा जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू लक्ष्मण जी, यानी और भी बातें हैं, आज बात कर रहे हैं रीना जी से, रीना जी से बात करेंगे, एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट बिगेस्ट ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट मल्टीकल्चरल वेडिंग ऑफ द ईयर। चलिए एक आप अपने आप कैनबरा टाइम्स का एक लेकर आनी है आर्टिकल, जिसमें उनका जी हाँ रीना जी के साथ साथ एंड्रू भी हैं, तो हमारे वीडियो इंटरव्यू जो कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जल्दी यूट्यूब पे प्ले होगा, तो उस पर आप जाके देख सकते हैं कि ये और ये इसका कैनबरा टाइम्स का लिंक भी आपको शेयर कर देंगे, एंड इट सेज वेडिंग सेलिब्रेट्स कल्चर्स, तो इस कैनबरा टाइम्स का बहुत बढ़िया आर्टिकल है और इट्स लेबल्ड एज द ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट मल्टीकल्चरल वेडिंग, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर मार्च में ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट हाउस में हमने देखी, और आप घाघरा की बात कर रहे थे, घाघरा आप पहन के निकली और वायरल हो गया आपका जो घाघरा, ये कल मनीष मल्होत्रा का नाम आया था क्योंकि परिणीति चोपड़ा हैज गॉट एंगेज विद, तो कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो रीना जी एंड एंड्रू नाउ ज्वाइन हमारे इसमें रेडियो पे ज्वाइन कर गए, वेलकम एंड्रू टू रेडियो मनपसंद, हाउ आर यू फीलिंग? थैंक यू, ग्रेट टू बी हियर, फैंटास्टिक, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू, इट वॉज एज आई सेड द बिगेस्ट मल्टीकल्चरल वेडिंग ऑफ द ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिली, एंड उस बारे में बताइए, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस एंड हाउ डिड यू मेट एंड्रू, ये लव? शुरुआत तो मैं माधुरी दीक्षित के डायलॉग दिल तो पागल है से करूं। अच्छा, आप लगता है माधुरी से बड़ी बहुत प्यार करती हूँ, एक दिन के लिए नहीं, एक पल के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। सो ये मेरे हस्बैंड के लिए है, जो कि बहुत ही प्यारे, बहुत ही लविंग और बहुत ही अमेजिंग हस्बैंड है। तो मेरी मुलाकात इनसे तो सिडनी में ही हुई थी, पर मैं इनके साथ साथ कैनबरा आ गई, और फिर कैनबरा में हमने डिसाइड करा कि अब टाइम है कि हम लोग we should get married, and जब हम अपनी venue hunting कर रहे थे तो हमें we just found this beautiful venue जो कि the great hall था in Australian Parliament House, तो हमने सोचा कि हमारी wedding reception वहाँ होगी, और wedding ceremony थी वो outside, जो आपने देखा होगा कि पूरा green area होता है, it's called formal gardens, वहाँ सिर्फ presidential speeches या कुछ ऐसा ही होता है। So that's where our ceremony was. Like the ceremony was in the formal gardens, and then we went inside, dressed up in a Sabyasachi
लहंगा अमेजिंग अमेजिंग सबसे सच्ची का हम नाम सुनते हैं लेकिन आपने लहंगा पहन के ऑस्ट्रेलिया में भी उनका नाम रोशन किया सो इट वॉज मर्जिंग ऑफ टू कल्चर्स टू फैमिलीज amalgamation ऑफ टू फैमिलीज कमिंग टुगेदर यू नो हम बिल्कुल डिफरेंट कल्चर से हैं पर हमने दोनों ने अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए हमने एक हिंदू वेडिंग भी करा फिर हमने व्हाइट वेडिंग भी करा दो वेडिंग सेरेमनीज था प्लस फॉलोड बाय वेडिंग रिसेप्शन और डिफरेंट डिफरेंट प्री वेडिंग फंक्शन लाइक मेहंदी संगीत टर्मरिक सेरेमनी जो कि एंड्रू के लिए बहुत नया था सब कुछ पर स्टिल द बेस्ट पार्ट इज ही वॉज अ स्पोर्ट ही पार्टिसिपेटेड इन एवरीथिंग एंड ही वॉज जस्ट लेटिंग इट कम एज इट वॉज कमिंग लाइक ही वॉज अमेजिंग सो हाउ डिड यू बोथ मेट इन सिडनी ओ थ्रू वर्क वी मेट थ्रू वर्क In the same office? Yeah, in the same office. Yeah. अच्छा वाकई दिल तो पागल है जिसे बोलते हैं. दिल तो पागल है. तो क्या देख के आपने एंड्रू को पसंद किया? How did you? What was the best thing you liked about Andrew, which attracted कि ये बंदा मेरे लिए बना है? Oh, he's so handsome, number one. ये तो है. Absolutely. I'm getting jealous now. इतने handsome हैं और इतने खूबसूरत दिखते हैं that he's so beautiful and his green blue eyes. Oh, any person's breath away. और मैं तो दिन रात अब बचा के रखिएगा. जब से मैं मिली हूँ ना, I just say कि I'm such a dedicated and loving wife for rest of my life. मैं इतना प्यार करती हूँ. Love you so much. Thanks, Andrew. You want to say something? How did you? What was the best thing you liked about Rena when you first met? So when I first met her, how obviously beautiful she was, but how driven she is in life, everything you want. Easiest way to describe her is a lot like an onion. You peel off one layer and there's another layer to her and just keeps going and going. So that's what I love best about her is there's so many layers. She's just a so in-depth person. So how long it took, how many months or years took to take the peel off all these layers about Rena? I'm still going. Haven't reached the middle yet, but there's always another layer to go. You are new to this. I've been married for the last 30 years. Yep. I'm still learning for past 30 years. So... कितना लंबा चला आपका कोर्टशिप या लव या उसके बाद आपने डिसाइड किया कि ये मेरे लिए बना है इसे शादी करनी चाहिए yeah he that was very quick you know we met in June and by 29 September he got on his one knee and proposed with this beautiful diamond ring kya baat hai dikhaiye yes rock please that you can see on my hand that was given to me and the beauty is that he actually included me in choosing this rock for me so I was very thankful kya baat hai So yeah, pretty much it was straight away we got engaged. But then COVID ki wajah se, because of COVID, there were several postponements and we went into lockdown. So it delayed the wedding a bit for about 2 years between engagement and getting married was 2 years difference. But you know, देर आए दुरुस्त आए हम बिल्कुल हमारी या और सबसे बेस्ट पार्ट था कि जब हम वेन्यू सर्च करने गए तो उन्होंने बोला कि हम पहली वेडिंग कर रहे हैं यहाँ पर तो यू नो जस्ट आप लोग भी हमें जितना प्रमोट कर सकते हैं उतना कीजिएगा क्या बात है क्या और वो भी बॉलीवुड इंडियन वेडिंग लेकिन आप दोनों डिफरेंट कल्चर से हैं ही इज अ कैथोलिक आई बिलीव एंड यू आर अ हिंदू या हिंदू Yeah. आपको कभी मन में लगा कभी कि एक बार सोचा होगा कि लोग क्या कहेंगे या दुनिया क्या बोलेगी और आपको डिफिकल्टी होगी टू एक तो इंग्लिश उनका घर का आप पंजाबी हिंदी बोलती हैं डिफरेंट रिलीजन से आते हैं खाना पीना डिफरेंट है लाइफस्टाइल डिफरेंट है आपको कभी लगा कि नहीं छोड़ दो शुड आई मैरी हिम और नॉट सबसे पहले तो आपका जो आंसर था ना लोग क्या कहेंगे लोगों का तो काम है कहना भूल ही जाओ लोगों को आई लाइक दैट यू नो मैं तो लोगों का आई डोंट केयर अबाउट पीपल व्हाट दे वुड से बिकॉज मैं जब 16 साल तक फॉर 16 इयर्स जब मैं सिंगल मदर थी मुझे किसी ने आके हेल्प नहीं करा कि यू नो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट मुझे किसी बिल्कुल सही बिल्कुल लोग इज सेकंड प्रायोरिटी नंबर वन व्हाट कम्स फॉर मी एंड आई वुड से एवरी मदर के लिए व्हाट कम्स इज माय चाइल्ड माय हस्बैंड एंड माय पेरेंट्स एंड माय हस्बैंड पेरेंट्स दे आर ऑलवेज नंबर वन बाकी सब लोग नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर उनको नंबर देने की जरूरत ही नहीं दे डोंट इवन स्टैंड इन माय क्यू बिल्कुल सही आई एम डेडिकेटेड टू माय फैमिली I am so dedicated and I love my family endlessly and selflessly and Bilkul. unconditionally ki main, you know only death can do us apart nothing can
अमेजिंग कैन कम इन बिटवीन अमेजिंग लोगों का तो काम है कहना आई डोंट केयर अबाउट लोग बिल्कुल बिल्कुल yeah. आप, ये आपने बहुत अच्छी बात की और मदर्स डे का ये मैसेज है कि आपकी फैमिली इज फर्स्ट फैमिली और वही है बाकी दुनिया पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी और चार लोग तो कहने वाले वो तो हर किसी पे ही कहते होंगे वो तो उन चार लोगों को मैं ढूंढ रहा हूँ कौन चार लोग हैं जो हमेशा बोलते हैं ना कि मुहावरा है कि चार लोग ये चार लोग होते कहाँ हैं कहाँ मिलते हैं मेरे को भी ढूंढना है और इतना अच्छा हस्बैंड है मैं कह रही हूँ कि इतना प्यारा अमलगमेशन है इतना प्यारा कल्चरल मिक्स होता है जो हम कहते हैं ना मल्टी कल्चरल ऑस्ट्रेलिया मल्टी कल्चरल देश मल्टी कल्चरल दैट हम तो मल्टी कल्चरल डे एंड नाइट वी लिव दैट मल्टी कल्चरल बिकॉज यू नो we eat for example food we know we have that food culture clash because he eats everything literally and I'm a vegetarian so oh acha he has coped up being a vegetarian kitna difficult hota hoga vegetarian with us he has coped up giving me that religious space as I follow my guruji a lot my god a lot so he has given me that space and his space is different so we don't intrude in each other's space so amazing a couple mein wo space dena bhi bahut hi important hota hai and I think it's going amazing it's going like brilliant because wo space that they are it's mutual respect he respects my culture I respect his family his culture and you know it's going kya perfect very good clashes hi nahi hote hain आपसी प्यार जो बना रहे आई थिंक दैट इज वॉट म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगा ना कोई कुछ नहीं तोड़ सकता एब्सोल्युटली ट्रस्ट ऑनेस्टी लव एंड रिस्पेक्ट या दीज आर द फोर पिलर्स ऑफ पिलर्स हैं ट्रस्ट ऑनेस्टी लॉयल्टी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट ये पिलर्स हैं अब मदर्स डे है यू नो मैं इनकी मदर को गिफ्ट्स देके आती हूँ फ्लावर्स देके आती हूँ वी मेक देम फील स्पेशल हर मदर एक्सपेक्ट करती है कि वी शुड हमने we should exceed expectations as children so we do that for them aapne mother in law ki baat ki sasu maa ki baat ki hai wo bhi australian hain yahan ki pali badi hain and us bare mein baat karenge ki kya तड़का लगता होगा क्योंकि जल्दी सास बहू बोलते ना कि हमारे एकता कपूर ने इतना उसको ऐसा मिर्च मसाला और लगा दिया है कि ऐसा रिलेशनशिप बना दिया है कि हमेशा आपस में बॉन्डिंग नहीं होती लेकिन आपके आपने बताया कि इट हैज बीन अ बॉन्डिंग उस बारे में बात करेंगे लेकिन आपकी शादी की बात कर रहे थे इट हैज बीन अ बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया सब लोगों ने देखा एंड यू हैड अ कैथोलिक वेडिंग एज वेल एज अ इंडियन वेडिंग एंड दैट इज अमेजिंग अमेजिंग चलिए उस बारे में बात करेंगे लेकिन माधुरी दीक्षित को याद करते हैं और एक प्यारा सा गीत मुझे याद आ रहा है फ्रॉम द मूवी खलनायक जिसमें आप ही की पालकी को उठा के अरे पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे टिंग 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 चलिए टिंग 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 चलिए यह रीना जी समझा रही है एंड्रू को कि व्हाट डज दैट सॉन्ग मींस टू देम वेरी गुड ये आपके बेकार से रोज चलता रहता होगा एक्सप्लेन अरे मैं आपको बताना भूल गई कि जब मैं इंडिया लेके गई तो इन्होंने गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लिया अपने फोन पे तो सब लोग हिंदी में बोलते थे ये उससे गूगल ट्रांसलेटर से समझते थे और वो दिल्ली टू आगरा वाला भी हमारे ऊपर बहुत एप सूट करता है क्योंकि तो आगरा ताजमहल भी देख कर आए कैसा लगा हाउ वाज ताजमहल It was fantastic. It was amazing. Better than the photos. So, yeah. It's a monument of love, yeah, isn't it? Yes, it was amazing. Loved going there. We'll definitely go back. चलिए ऑल राइट दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद जी हां पूरा तड़का लगा के मदर्स डे पे लग रहा है साथ में रीना जी के साथ तड़का लग रहा है उनकी शादी पे लग रहा है इनकी बेटी ने भी इनका नाम रोशन किया शी इज बीन अ मिस साउथ एशिया ऑस्ट्रेलिया मदर इन लॉ पे लग रहा है सासू माँ पे लग रहा है उस पर भी बात करेंगे लगे रहिए सुनते रहिए रेडियो मनपसंद तड़का लगा के माधुरी दीक्षा आई पालकी में सवार होके रे चं 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 एंड्रूस डांस टिंग टनंग टिंग डंग जी हाँ ये तो पालकी में होके सवार माधुरी दीक्षित तो निकल गई जी हाँ भारत से इंडिया से फुर होके अमेरिका गई है लेकिन देखिए लाइमलाइट का एक वो होता ना कि आपका जो एक पैशन जो होता है जो एक बार स्टेज पे आ जाए आर्टिस्ट हो तो वो
छोड़ना आसान नहीं होता है. माधुरी फिर वापस आई एंड शी केम विद अ कैप्चर्ड ऑल हर हार्ट. वो सबके दिल के तोड़ के गई थी. कहां डॉक्टर नेने को शादी कर ली, जो कि डॉक्टर नेने का कोई लेना देना नहीं बॉलीवुड से, ना कभी मूवी देखते थे, ना ही नेवर यूज टू फॉलो माधुरी. आपके केस में भी ऐसे ही था. इज ही अ फैन ऑफ एंड्रू की बात करें, एंड्रू इज ही अ फैन ऑफ बॉलीवुड? Yes. Yes. Yep. Little bit. A little bit with subtitles. So, whom do you follow? Who is your favorite heroine besides Reena? After Reena, Reena is number one. After Reena. Madhuri, Aishwarya Rai, or somebody else? On the new ones, can you think of? I can't think of anyone. No. Because you're so much in love with Reena, and you can't say it on the video right now. No, I wouldn't want to put it in. Off air, I'll ask you. चलिए रीना जी से बात करते दोस्तों. आप लगे हुए रेडियो मनपसंद पे 24 घंटे सात तो दिन रीना जी से बात हो रही है, मदर्स डे की बात हो रही है. रीना जी इज सेलिब्रिटी हर्सेल्फ, इन कैनबरा में है कई साल से और सेलिब्रिटीज को लेकर आती है. तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैव इनके अभी और कोई आपका कोई प्लान है नेक्स्ट ईयर? एक बार मैं थोड़ा सा सिडनी में सेटल हो जाऊं तो यू नो आई मीन सिडनी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज कैनबरा में मार्केट अभी इतना नीश है. तो समथिंग दैट कैन हैपन फ्रॉम अ बिग सिटी लाइक सिडनी बिकॉज हमें इंडियन मार्केट को टारगेट करना पड़ता है फॉर सेलिंग टिकट्स एंड यू नो टू मेक अप दैट मनी. और मुझे लगता है कि वो इंडियन मार्केट जो है सिडनी में बड़ा है, बिगर है रादर देन कैनबरा. बढ़िया. हम तो गाने से पहले बात कर रहे थे मदर इन लॉ की. मदर इन लॉ आपकी ऑस्ट्रेलियन है, एंड्रू की लविंग मदर एंड उनको पाल पोस के बड़ा किया, फिर आपके हवाले कर दिया. तो सास बहू का जो होता है कि जो एक रिलेशनशिप होता है, हमेशा ऐसा मना गया कि मदर इन लॉ इतनी खड़ूस होती है, ललिता पवार जैसी होती है जो हम जब जो अपने मूवीज में देखते हैं, या एकता कपूर ने उसको इतना वो पता कहें उसमें इतना स्पाइसिस भर दिया कि लगता है कि सास ऐसी होती क्यों है. आपको ऐसा फील हुआ कभी कि वो भी एक मदर हैं, अपने बेटे को आपके हवाले किया है, तो उनकी भी आप मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सास को क्यों ऐसा फील होता है? यू नो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो माँ होती है ना वो माँ ही होती है, उसका प्यार अपने बच्चे की तरफ बहुत ज्यादा होता है. पर जिस तरह से, और मैंने ये हम लोग SPS इनसाइट पे भी गए थे, वहां एक टॉपिक था रिलेशनशिप विद इन लॉज और मेरी मदर इन लॉ ने भी उसमें पार्टिसिपेट करा था. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मुझे फैमिली, जाब फैमिली जो मिली है, मेरी मदर इन लॉ, मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड. दे आर सो, इतना रिस्पेक्ट है, इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है और इतना ट्रस्ट है, लॉयल्टी है फैमिली में, और इतनी डाउन टू अर्थ फैमिली है कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपनी सास से बात कर रही हूँ या अपनी मदर इन लॉ से बात कर रही हूँ. मुझे तो बस ये फील होता है, इतना वेलकमिंग है वो लोग, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि मैं दूसरे कल्चर से हूँ या मेरे पास मेरी बेटी है पहले से. उन्हें कोई शिकायत, कोई शिकवा, कोई गिला कुछ है ही नहीं. उनको बस ये होता है कि मेरा बच्चा खुश रहे, यू नो, एंड्रू शुड बी हैप्पी, दैट्स इट. वेयर एंड्रू, फीड हिम विद द इंडियन वेजिटेरियन फूड, वेयर एंड्रूज हैप्पीनेस इज, दैट्स वेयर यू नो आवर हैप्पीनेस इज. सो वी हैव नेवर फेस्ड दोस क्लैशेस एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. हमें कभी वो क्लैश ही नहीं हुआ. मैंने तो वो एक्सपीरियंस ही नहीं करा कि सासू माँ होती क्या है, कि हर चीज में इतना वेलकमिंग और इतना प्यार करती हैं, दिल से प्यार करती हैं. तो जो घर में खाना बनता है, किचन जो है, तो क्या इंडियन खाना बनता है या ऑस्ट्रेलियन बनता है, या आप लोग मिक्स बनाते हैं मिलजुल के सासू माँ के साथ? मिलजुल के बनाते हैं वैसे तो जब भी वो लोग आते हैं, लाइक मदर्स डे स्पेशल होता है या कुछ ईस्टर होता है या क्रिसमस होता है, तो मैं उनको अपनी डेलिकेसीज, जो मेरी इंडियन डेलिकेसीज और मेरी स्पेशलिटी है, वो बना के खिलाती हूँ. क्या है वो? क्या है? लाइक शाही पनीर. अरे वाह. छोले भटूरे. क्या बात है. पाव भाजी. पाव भाजी है और चाट पापड़ी. चाट पापड़ी, पापड़ी चाटिया, वो मेरी डॉटर का भी फेवरेट है पापड़ी. अच्छा. तो वो सब बना के खिलाती हूँ. एंड दे एंड्रू ईट्स इट विलिंगली या और कोई चॉइस नहीं? देयर इज नो अदर चॉइस, यू हैव टू ईट इट. और यू प्रेफर द ऑजी फूड? I mean, change is good. So I've been eating Aussie food, European food for my whole life. So yeah. Now getting something different, I'm actually enjoying it. It's good, yeah. And you love the Indian spices. And how much can you take? Like, how hot can you take? Is it? No. Not too much. Not too much. But I mean,
it's good. It's enjoyable as long as it's not too spicy. Very good. Yeah. Any favorite dish for Indian dish you want to mention? You like the best? What's that one that I get? The Malai Kofta. Malai Kofta. Oh, wow. Yeah. With the naan bread or just roti or? With garlic naan. With garlic naan. awesome. और आपको मैं ये भी शेयर करना चाहती हूँ जब हमारे ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट हाउस में रिसेप्शन हुई ग्रेट हॉल में स्पेशली द मेन्यू वॉज कस्टमाइज्ड क्योंकि काफी सारे इंडियन गेस्ट भी थे और सारे गोरे गेस्ट भी थे तो उन्होंने कहा कि हम एक ही मेन्यू करेंगे तो इट वॉज इंडियन फर्स्ट टाइम इंडियन केटरिंग फुल 3 कोर्स डिनर वॉज सर्व्ड एट द रिसेप्शन विच वॉज प्रिपेयर्ड इन हाउस एट द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट हाउस इन हाउस बिकॉज दे डोंट अलाउ इवन अ सिंगल केक पीस फ्रॉम आउटसाइड सो एवरीथिंग वॉज प्रिपेयर्ड कस्टमाइज्ड इन हाउस क्या बात ऐसे सर्व हुआ था और सब गोरे जो गेस्ट थे सब ने खाया और सब बहुत That is a part of multicultural community here in Australia and especially yeah. Canberra mein to maine dekha hai ki it has been so welcoming yeah. and they kabhi aaj tak koi aur food is the only topic jab bhi hota hai jaise office mein baat hoti hai na khane pe pyar aa jata hai and that's how we connect each other isn't it yeah. and the second is music yeah. they love the Bollywood music the film dance, the yeah. glamour the color they yeah. the Bollywood brings and especially aapne to usko famous kar diya making it in the Parliament House रीना जी आपसे बातें करके बहुत मजा आया और आई एम श्योर यू आर अ बिजी लेडी और भी बातें होते रहेंगे और इवेंट्स यू आर कमिंग एनी इफ यू आर कमिंग अप विद द इवेंट्स डेफिनेटली रेडियो मनपसंद विल बी योर मीडिया पार्टनर और भी बातें होंगी एंड वी वुड लव टू सी मोर सेलिब्रिटीज हियर आई नो एंड्रू इज अ सेलिब्रिटी यू बोथ एंड योर डॉटर इज अ सेलिब्रिटी टू थैंक्स टू अलीशा कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू बोथ ऑफ यू मदर डॉटर का कॉम्बिनेशन है मुझे लगा इट विल ग्रो बिगर एंड बड़ा होगा And you both can join together and kuch grand hoga. To chaliye, acha laga. And thanks to all these. बहुत 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 शुक्रिया आप सब श्रोताओं का सुनने के लिए और मदर्स डे तो बहुत ही अमेजिंग है ना भूले अपनी माँ को कॉल करना ग्रैंड मदर को कॉल करना जिस भी बुआ माँ मौसी माँ जिस तरह की भी आपकी माँ है और जो भी आपका रिलेशनशिप है जिसने भी आपको केयर किया है कभी कोई एडवाइस दिया आज मौका है आप सबके पास उन सबको थैंक यू बोलने का तहे दिल से उनका शुक्रिया करने का एक फोन की अगर वो दूर भी है तो एक फोन उठा के उनका यू नो जस्ट उनको थैंक यू बोल दीजिए क्या बात है दैट वुड बी सो अमेजिंग एंड थैंक यू आरजे मनीष यू आर सो फैंटास्टिक थैंक यू फॉर हैविंग ओह वाओ अच्छा वेरी गुड थैंक यू नहीं अच्छा लगा बस हम तो तड़का लगाते हैं लेकिन आपने जो इतनी अच्छी बातें की और बहुत प्यारी बातें की और इतना मतलब क्या था ज्ञान दिया मतलब लाइक बिकॉज स्पेशली आई लव द आप लोगों का प्यार जो है मल्टी कल्चरल प्यार जो बोलते ना कि एक आई कॉन्ट थिंक ऑफ मतलब हम लोग जो फर्स्ट जनरेशन है इट इज वेरी हार्ड हमारा सेकेंड जनरेशन बच्चे तो समझ जाते हैं yeah. आपके बच्चे मेरे बच्चे सब समझेंगे ठीक है इसमें रिलीजन डज नॉट मैटर कलर डज नॉट मैटर लैंग्वेज डज नॉट मैटर फूड डज नॉट मैटर जो जिससे प्यार हो उसी से शादी कर लो इजंट इट हम लोग लेकिन हम इंडियंस जैसे मैंने पहले ही कहा लोग क्या कहेंगे कि अरे यार इससे शादी करें नहीं यार ये तो नॉन वेज खाता है या ये ऐसा रहता है वैसा रहता है कैथोलिक है मुस्लिम है क्रिश्चियन है मतलब इट्स मेक्स इट सो डिफरेंस लेकिन यू हैव ब्रोकन दैट बैरियर हमें अच्छा लगा आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट और मल्टी कल्चरल वेडिंग्स आजकल देखने सुनने में मिल रही है क्योंकि सेकेंड जनरेशन दे डोंट केयर जिसे ये जिससे प्यार हो एंड यू लव यू जस्ट गेट मैरिड चलिए आप दोनों का प्यार बना रहे हमेशा बना रहे बहुत बहुत बधाई है शुक्रिया एंड तहे दिल से धन्यवाद फॉर कमिंग टू रेडियो मनपसंद और आगे भी मिलते रहेंगे तड़का लगाते रहेंगे लगे रहो सुनते रहो तड़का लगा के 24/7 रेडियो मनपसंद रेडियो मनपसंद थैंक यू रीना जी अरे वाह आप तो लग रहा खुद आरजे भी बन गई है और धीरे धीरे चलिए बहुत अच्छा लगा एंड जाते जाते जी हाँ माधुरी दीक्षित का एक प्यारा सा गीत आपकी तरफ से टू एंड्रू आप पहचान गए साजन का मूवी का है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम आई लव यू सो मच माय डार्लिंग बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम कसम चाहे ले लो इवन इफ आई स्वेर ओनली डेथ कैन डू अस अ पार्ट कसम चाहे ले लो खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम आई हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग फॉर माय ट्रांसलेटर दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मैरिज चलिए अनुराधा पडवाल से भी आप अच्छा गा रही थी चलिए लेकिन उनको सुन लेते हैं चलिए दोस्तों ये है प्यारा सा गीत माधुरी दीक्षित को याद करते हुए हैप्पी बर्थडे माधुरी जी हाँ कल है लेकिन आज मना रहे मदर्स डे हैप्पी मदर्स डे
ये देखिए ब्यूटीफुल द प्यार ऑफ एंड्रू एंड रीना जी, वाह अमेजिंग अमेजिंग। क्या बात है अमेजिंग। Amazing in the one frame. Very nice. All the best. लगे रहिए ऐसे प्यार करते रहिए।